बाजार अब उस तरह आएगा तो नेक्स्ट 3-4-5 महीने गोइंग इनटू एक्चुअल इलेक्शंस, जहां वैसे ही हाई प्रोबेबिलिटी है उनके आने की और रेट कट भी, वो दोनों कोइंसाइड करेगा, तो क्या व्यू लेना चाहिए अगर हम 5 से 6 महीने का पोजिशनल बेट लेना चाहें तो? तो अजय जी देखिए, दूसरी अब इलेक्शन तो मई में है, उसके बारे में तो ज्यादा टिप्पणी होगी नहीं, स्टेट इलेक्शन एज द इवेंट्स गेट डिस्काउंटेड। कल आपको फेड ने भी कह दिया, देयर आर नो चांसेस ऑफ हायर रेट्स, वी मे स्टार्ट टू कट, और फेड की लैंग्वेज इज बिफोर यू, द यूएस मार्केट्स हैव हैड द बेस्ट मंथ सिंस मार्च ऑफ 2022, और व्हाट इज द मार्केट, मार्केट प्राइसेस इन द वर्स्ट एंड द बेस्ट बिफोर टाइम। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मार्केट विल नॉट गो हायर, मेरा कहने का मतलब है जब सबकी भेड़ चाल लेने में हो, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना भी सीखिए, क्योंकि शेयर बाजार है, मौके जब आते हैं उस समय माहौल ऐसा होता है, ना आपसे ग्रीड में बेचा जाता है ना फियर में खरीदा जाता है। वी आर हेडेड मच हायर, रेट हाई, रेट कट, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, जीडीपी आउट परफॉर्मेंस, इंडियाज मैक्रोस, दे ऑल स्पीक फॉर देमसेल्फ, हाउएवर अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट इज इन द प्राइस। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वी आर नॉट गोइंग हायर, वी आर सेइंग कि अगर आप वेट कर रहे थे और अच्छे टाइम पे 18,800 पे आपने हमें बोला, अक्टूबर की लास्ट वीक में हमने दावे से कह दिया आपको न्यू हाई आएगा, लेकिन अब आपको उस न्यू हाई का फायदा तब है जब आप उसमें प्रॉफिट भी बुक कर सके। तो लीवरेज पोजीशन इस हफ्ते में थोड़ी सी हल्की कीजिए और आगे के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाइए, बिकॉज द नेक्स्ट 4 months आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी एंड द ग्लोबल इकोनॉमी। ओके, ऑल राइट संजीव जी, ये बात तो हो गई इलेक्शंस के आउटकम की, अब आज बताइए ट्रेड किस में करें जिसमें बड़ा गेन आए। हाँ, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, देखिए मुझे टाटा कम्युनिकेशन बहुत पसंद है, इट हैज करेक्टेड ऑल द वे फ्रॉम 1950 टू 1650, और आपने पढ़ा भी है, और आप सुजलॉन का ब्लैक रॉक कह रहे, तो ब्लैक रॉक ने 8% स्टेक इसमें भी लिया है, एंड आई थिंक दीज आर वैल्यूएशंस व्हिच आर वेरी अट्रैक्टिव, पर्टिकुलरली फॉर अ कंपनी now the transient for Tata's in the space of cloud, in the space of cyber, in the space of unified communication, and the undersea cable network is doing exceedingly well. मुझे लगता है ये बहुत ही बढ़िया opportunity है to get in a quality stock like Tata Communication. 1850 का target है, 1600 का stop loss लीजिए। दूसरा आपको और बता दूं, आपको PNB, Federal Bank और Gail 3 दिन से कह रहा था, देखिए कहां के कहां भाव है। दूसरा मेरा पिक है, जो मैं कॉन्ट्रेरियन हो रहा हूँ, कोटक बैंक। कोटक बैंक इज गिविंग यू द बेस्ट एंट्री पॉइंट इन द लार्ज कैप बैंक्स, इट्स अंडरलाइंग एसेट क्वालिटी, क्लीनलीनेस, इट्स निम एंड इट्स एनआई एक्सपेंशन, प्लस अनसर्टेनिटी खत्म हो गई बिकॉज देयर इज अ न्यू पर्सन हू इज हेडिंग द बैंक। मुझे लगता है 1750 में दिस इज गिविंग यू अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट, अगेन 1850 का टारगेट है, 1700 का स्टॉप लॉस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दो कैश के नाम दे रहा हूं, देवयानी इंटरनेशनल करेक्टेड फ्रॉम 195 टू 175, इस जैसा बिजनेस नहीं, पिज्जा हट, केंटकी फ्राइड एंड कॉस्टा कॉफी ऑल रेयरिंग टू गो, क्वार्टरली नंबर्स में वीकनेस इस कारण से थी बिकॉज दे आर एक्सपेंडिंग वेरी फास्ट देयर नेटवर्क, कॉस्ट ओवररन इज सीइंग दैट, बट एज सून एज दे ओपन मोर आउटलेट्स यू कैन इमेजिन द बिजनेस। मैं ये 300 रुपए का टारगेट दे रहा हूं आपको मार्च ऑफ 2024 तक। चौथा पिक है मेरा फेवरेट SW सोलर, ऑन यस्टरडेज क्लैरिफिकेशन दे हैव क्लियर्ड ऑल पेंडिंग ड्यूज व्हिच दे हैव रिकवर्ड फ्रॉम शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप, द कंपनी इज लुकिंग टू रिड्यूस देयर डेट बाय डूइंग अ QIP। ये शेयर यहां से अगली दिवाली तक 750 का भाव।